तो गाइस आज मुझे इनविटेशन आया प्रोबोइस के एक सीक्रेट एसएमपी से। इस सर्वर में अभी एक बिल्ड बैटल चल रहा है जो कि हर 3 महीने में एक बार होता है, और जो भी बंदा इस बिल्ड बैटल को जीतता है गाइस उसको मिलते हैं 5 लाख रुपी यानी कि प्रूपी, और वो इस सर्वर का नेक्स्ट ओनर बन जाता है। इस सर्वर की सबसे खतरनाक चीज है इसकी करेंसी प्रूपी। इसका यूज करके हम लोग सर्वर में कुछ भी बेच सकते हैं और इलीगल से इलीगल सामान खरीद सकते हैं। तो आज प्रोबोइस से हम लोग उसका क्राउन लेकर सर्वर के ओनर बनने वाले हैं। ओहो, आगे हम लोग अंदर, ये तो स्पॉन लग रहा है। ओके ए, वहाँ पे कोई तो प्लेयर है, विवेक राजा एफके है क्या ये? ओके चलो चलते हैं। वो देखो गाइस ऊपर में इवेंट स्टेज, आई गेस उधर ही बिल्ड बैटल चल रहा है अपना। चलो चल के देखते उधर क्या क्या चल रहा है। ओ भाई बहुत बड़ा लग रहा है ये जगह। अरे ये कौन आ रहा है, खतरनाक आदमी है तो। अरे शिवांग भाई, अरे हेलो, जानता है ये तो, मेरे को लग रहा है गाइस आप लेट हो गए हैं। लेट क्यों हो गया मैं? बिल्ड बैटल शुरू होके 8 दिन हो गए, 2 दिन बचे हैं बस। लेट, ये क्या कह रहा है गाइस ये? चलो कोई बात नहीं, मुझे मेरा बिल्ड कंप्लीट करना है, बाय। जीतूंगा तो मैं ही। ये तो चिढ़ा के चला गया गाइस। ओके आई गेस हम लोगों को इवेंट स्टेज पे जाके देखना चाहिए क्या क्या है। और एक और बंदा कलका मिनाटी। अरे कितने लोग ऑनलाइन है, कितने लोग खेल रहे हैं, इतने सारे एक्टिव है, और प्रो बॉयज भी एक्टिव है अपना गाइस। ओके गाइस बंदे तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव है यहाँ पे। एंड ओ माय गॉड, तो खतरनाक बिल्ड बनाया हुआ है लोगों ने। वो देखो यार मिक्की माउस क्या खतरनाक बने है यार। लोग तो यहाँ बिल्ड बैटल को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं यार। ओके दिस इज ओ प्रो बॉयज भाई, रुको गाइस कॉल आ रहा है, वेट। अरे हेलो शिवांग, आ गया तू? यस प्रो बॉयज आ गया फाइनली। देगा मेरे को तो आना ही था, तेरा एसएमपी है फिर तो। हां यार बट तूने कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा दिया, लाइक सिर्फ 2 दिन बचे भाई, और देख लोगों ने कितने सारे बिल्ड बना दिए, तू कैसे जीतेगा? यार वो तो देख रहा हूं, बट टेंशन मत ले प्रो, तेरा शिवांग प्रो है, अभी देख सब हो जाएगा। हां मुझे पता है यार तू एक नंबर का प्रो इंसान है, बिल्कुल मेरी तरह। तो चलो अभी फिलहाल तो मैं चलता हूं, मेरे को कुछ सर्वर का काम है, बाद में मिलता हूं। ओके किंग ऑफ द सर्वर, बाय बाय। बताना था यार, देखो लाइक अगर तू ये इवेंट जीत भी जाता है ना, वैसे लग तो नहीं रहा तू जीतेगा, बेइज्जती कर रहा है। फिर भी इनकेस अगर तू जीता है तो प्लीज यार अच्छे से संभाल लेना सर को, बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने इस सर को, और मैं चाहता हूँ कि आने वाला विनर भी बहुत अच्छे से संभाले। ओके गाइस क्या क्या बना रखा, वो चारिज़ार्ड और वो पोकेबॉल बना है किसी ने, वो देखो बना ही रहा है भाई। सारे बंदे कितने डेडिकेटेड होके लगे हुए इन सब चीजों पे। ओ एक बंदा ऊपर भी है, वो देखो वो अर्थ को बना रहा है, कौन है वो? ओके गाइस तो इन सब खतरनाक बिल्ड के बीच में मैं यहाँ पे बनाऊंगा अपना बिल्ड इसके ऊपर। लेकिन जो कहो यार सर्वर में लोग कितने मेहनती है, कितना मस्त सर्वर है, एक ओवर करने में मजा आ जाएगा पूरा सर्वर। तो इसके बाद मैं पूरा मोटिवेट होकर तैयारी करने लगा अपने $1 million वाले बिल्ड का। तो गाइस तैयार हो जाओ इस बिल्ड बैटल कॉम्पिटिशन का विनर बिल्ड देखने के लिए। यस देखा, अरे नहीं ये नहीं है ये है। ये देख के तो नहीं लग रहा है गाइस कि बिल्ड बैटल जीतने वाले हम लोग। वेट उधर से कोई तो आ रहा है, वो बिल्ड देख रहा है गाइस, हमारा बिल्ड देख रहा है। अरे शिवांग भाई तुम वीडियो मस्त बनाते हो बट बिल्ड तुमसे ना होगा, तुम रहने दो। अरे ये क्या अंडा फेंक रहा है, हाइट क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है चैट में, सब मिलके मेरी बेइज्जती को कर रहे हैं, नहीं यार। तो गाइस अब इस चीज के बाद एसएमपी में सभी से बेइज्जती सहकर मैं डिमोटिवेट होकर गिव अप कर चुका था कि अब इस बार तो मैं नहीं जीत सकता हूँ और ओनर बन सकता हूँ एसएमपी का, तो अगली बार मैं ट्राई करूंगा। लेकिन उसी टाइम पे मुझे वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली जो कि मेरे आने के 8 दिन पहले सबको बता दी गई थी, वो मेरे को जंकी भाई के तरफ से पता चलता है। ओके गाइस जंकी भाई ने तो क्या खतरनाक बिल्ड बना रखा है यार, ये देखो पूरा चेसबोर्ड बना दिया है, वो देखो बना ही रहा है अभी। अरे जंकी भाई हेलो, रुको गाइस मैं इसको वीसी पे लेता हूँ। अरे जंकी ब्रो व्हाट्स अप, क्या मस्त बिल्ड बनाया रे तूने, मजा आ गया यार। अरे थैंक यू शिवांग यार, पर मुझे पता नहीं यार मैं जीत तो नहीं पाऊंगा ऐसा लग रहा है यार। बट ब्रो डर लग रहा है, उनका बिल्ड देखो ना कितना खतरनाक है, मुझे नहीं लगता मैं कभी जीत पाऊंगा चैलेंज। अरे तो डर लगने वाली कौन सी बात है, नूब बच्चा है यार, अगली बार देख लेंगे, इस बार नहीं जीतेंगे तो टेंशन क्यों ले रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे और क्या, अगली बार जीत जाएंगे। अरे पैसे की किसको पड़ी है, तेरे को पता ना Rule 2, एक बार हम लोग जो हार गए इसमें तो हम लोग फिर बाद में कभी थ्रोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, फिर कभी ओनर नहीं बन सकते हम। एक मिनट क्या बोल रहे है, और अगर टॉप 5 नहीं आए तो बैन कर देंगे सर्वर से भाई, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वेट व्हाट,
तो अब गाइस मुझे एक चीज तो पता चल चुकी थी, अगर इस बार मैं हारा तो मैं कभी भी इसके बाद इस एसएमपी का ओनर जिंदगी में नहीं बन सकता हूँ। और मेरे पास टाइम बस 47 आवर्स का बचा था। तो गाइस अभी मेरे को पहले गियर अप करना होगा, जिसके लिए तो मेरे पास इतना सा टाइम है, मेरे पास कोई गियर भी नहीं है और मेरे को बिल्ड भी करना है। गियर अप करने के लिए अभी मेरे को माइनिंग करना, डायमंड पिकेक्स बनाना, नेदर में जाना, नहीं पकड़ना होगा एक बंदे को। और गाइस फिर मैंने बनाया एक प्लान जहां पे मैं एक गड्ढे के अंदर फॉल डैमेज से किसी को भी गिरा कर मारूंगा। चैट में तो सबको यही दिखेगा कि वो गिर के मरा है, फिर ऑफ कोर्स लोगों को लगेगा कि वो गिर के मरा है और हम लोग जाके उसका सामान चुरा लेंगे। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सर्वर हार्डकोर में नहीं है तो वो अंदर स्पॉन होकर अपना सामान वापस से ढूंढने आएगा, और फिर जब उसे उसका सामान नहीं मिलेगा तो वो लफड़ा करेगा एसएमपी में, और फिर सब लोगों का साथ देके हम लोग उस पे ये ब्लेम लगाएंगे कि तू गिर के मरा था, देखो मारा थोड़ी है किसी ने, तेरा सामान डिस्पॉन हो गया। तो गाइस ये वाला जगह देख रहे हो तुम लोग कितना नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऐसा नेचुरल बना दिया है। इसके नीचे ना अपन लोगों का ट्रैप है, और ये इवेंट स्टेज एंटर करने के जगह पे है, तो ये काफी नॉर्मल लग रहा है, किसी को भी शक नहीं होगा। और अब बस हम लोग इधर से ना इस साइड में आ जाएंगे और इस लीवर को ऑन करने का वेट करेंगे। इधर से हम लोग पीक लेंगे कि कोई बंदा इधर से जा रहा हो, और फिर तो वो गया। और हाँ एक और चीज, ये आर्मर देख रहे हो तुम, ये मैंने जंकी से उधार ले लिया, क्योंकि जब कोई गिरेगा मैं उसका सामान चुराऊ तो मेरे को एडवांसमेंट ना मिल जाए। हम लोगों ने अपना पूरा ब्रेन यूज कर दिया है, बस अब हमें वेट करना है। A few minutes later. Okay, कोई बलि का बकरा नहीं। ओह, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। तो ये जो अपने को स्टार्टिंग में मिला था प्लेयर गाइस वो है। ओके, कहीं तो जा रहे। ओह, इट्स द टाइम। बूम! एंड वो जा रहा है नीचे। यस! ड्रैगो एक्सेक्स फेल फ्रॉम अ हाई प्लेस। ओके, 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 चलो अपना टाइम है अभी। यहां पे वाटर बकेट क्लच। यस! सारा सामान अपने पास आ गया। और ये देखो, वेट, ओह माय गॉड, 50 रुपी भी है इसके पास। ओके ओके, अंडर पहले हम लोग को यहाँ से एस्केप करना चाहिए। बूम एंड ओके, चलो अब आराम से अपन लोग निकल जाएंगे यहाँ से। हमें एकदम जल्दी करना पड़ेगा उससे पहले कि वो प्लेयर ना जल्दी से स्पॉन होके आ जाए। ओके बस आ गए, पानी निकालते, चलो जल्दी चल के ट्रैप बंद करते अपना। बूम एंड लेट्स गो, निकलते हैं इधर से। उधर एक प्लेयर, ओके इधर अपन लोगों का फुल एन्चेंटेड आर्मर आ गया है और डायमंड का हेलमेट। ओ माय गॉड गाइस, क्यों अमीर हो गए। और ये देख रहे हो प्रूपी, इसके ऊपर प्रूबो इसका लोगो है। अभी अपन लोग ओनर बनेंगे, फिर अपना लोगो होगा इस पे। Everyone, VC असाप एक सीन हो गया यार। गाइस ड्रैगो XOXO का मैसेज आ गया है, VC बुला रहा है। आई गेस वो जाके देख लिया कि उसका कोई भी सामान वहाँ पे नहीं है। अब हम लोग को अपने प्लान के एकदम अच्छे से हिसाब से जाना पड़ेगा, पकड़ाना नहीं है। ओके, सभी VC में है ना यार, सर्वर में हो क्या रहा है यार? ब्रुट ने अर्जेंसी में क्यों बुलाया हमको? हेलो, क्या हुआ? अरे गाइस क्या हुआ, इतनी हबड़ दबड़ क्यों हो रही है? अरे यार मेरे को मार के मेरा सारा सामान चोरी कर लिया यार, मेरे पास नेदरराइट का आर्मर और नेदरराइट के सारे टूल्स चले गए। लेकिन तू तो गिर के मरा था ना? अरे हाँ, वो तो चैट में लिखा था तू फॉल डैमेज लेके मरा ब्रो। हाँ, तेरा सामान डिस्पॉन हो गया होगा, तू कहाँ गिरा था? अरे नहीं, मुझे स्पॉन पे ट्रैप कर दिया था ब्रो। कुछ भी बोल रहा है तू, क्या भाल तू क्यों गिरेगा तो सामान ड्रॉप होके तो डिस्पॉन होगा ना? अरे गिर के नहीं मरा, मुझे ट्रैप कर दिया गया था। प्रूबोइस, भाई क्या इतना हल्ला हल्ला क्यों कर रहे हो भाई? क्या लगा कर गए इसी में, लड़ाई वड़ाई हुई है क्या? अरे प्रूबोइस, जब मैं स्पॉन पे जा रहा था मुझे किसी ने गेट के नीचे ट्रैप करके मार दिया ब्रो, और जब मैं वापस वहाँ पे गया तो मेरा सामान नहीं था वहाँ पे। अरे प्रूबोइस ये कुछ भी बोल रहा है, ये फॉल डैमेज खा के मरा है। वही पता है, फॉल डैमेज हुआ फिर इसका सामान लग रहा है डिस्पॉन हुआ, अब आके लड़ रहा है सबसे कि मेरा सामान चुरा लिया, सामान चुरा लिया। टाइम वेस्ट कर रहा पूरा हमसे बिगा। वही तो यार, 1.5 दिन बचे हैं बस बिल्ड बैटल खत्म होने में, डिस्ट्रैक्शन कर रहे साले जी। वही। अरे शिवांग इतना क्यों बोल रहे हो तुम, नेदरराइट आर्मर कहां से आया? तुम तो न्यू प्लेयर हो। मैंने जंकी से उधार लिया है, पूछ ले उससे। हाँ, मैंने शिवांग को दिया है, वो थोड़ी देर पहले आया था मुझसे मांगने। नहीं शिवांग, मुझे तुम पे शक हो रहा है, वो हॉट बार का 1 2 3 4 दबा के दिखाओ। अरे क्या है ये, देख रहे हो गाइस? देखो ठीक है, मैं कर रहा हूँ। देखो 1 2, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या रहा हूँ, तुम लोग को मानने ही नहीं चाहते हो। 3 4 5 6, फिर यहाँ पे मेरे पास लास्ट में है ये अपना वाटर बकेट। अरे यार कहाँ गया फिर? क्या टाइम पास करवा रहे हैं ब्रो? अरे क्या टाइम पास कर रहे हो, 25 घंटे बचे बिल्ड बैटल में, ऐसे ओनर बनोगे इस सरों के? क्या यार, चलो अभी कॉमेडी हॉल से निकलो, डिस्कशन बंद करो। यार चलो वेस्ट नहीं करते टाइम गाइस, अपन लोग को बिल्ड भी करना है। सही कह रहा है ब्रो। ओह माय गॉड गाइस, हम लोग बहुत बुरी तरीके से बचे, बट अपना प्लान काम कर गया। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था वो मेरे को इन्वेंटरी दबाने कह देगा अचानक से, लेकिन अच्छा हुआ मेरा इन्वेंटरी खाली था, मैं सारे सामान को अंदर रख दिया। ओ मेरे को लिटरल रियल लाइफ में घुसबंस आ रहे अभी। इसी के साथ मेरा पहला प्लान एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी भी हमारी दुविधा खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हमारा मेन टारगेट था बिल्ड बैटल को जीतना।
टेंशन मत लो, तुम्हारे शिवांग ने उसके लिए एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन प्लान कर लिया था। तो गाइस सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है और इस सर्वर का बिल्ड बैटल जीत के ओनर तो मैं ही बनने वाला हूँ और इस चीज में अपने बलि का बकरा होने वाला है अपना ही दोस्त जंकी। तो मैं अच्छे बिल्ड बना नहीं पा रहा था, तो अगर मेरे को बिल्ड बैटल जीतना है तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, सारे बिल्ड को ब्लास्ट करना होगा। लेकिन ऑफकोर्स अगर मैं वो खुद से करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और हमेशा के लिए बैन भी मिल जाएगा मुझे। तो इसके लिए मेरे को एक बलि का बकरा चाहिए जिसको हम लोग मैनिपुलेट करेंगे और इन सारे एसएमपी प्लेयर्स में से आई गेस हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा अपना दोस्त जंकी भाई। क्योंकि तुम्हें पता है आपने जंकी भाई स्टार्टिंग में भी डरे हुए थे कि वो जीत पाएंगे या नहीं, वो जीतने के लिए हर कुछ करेंगे। हेलो हेलो जंकी ब्रो। हाँ ब्रो क्या हुआ? अरे रुक जा मैं तेरे बेस के पास ही हूँ, आ रहा हूँ। आना आना अंदर आ। ओके ओके ये ले जंकी ब्रो, हो गया था मैं बोलने आया था आर्मर का काम, ये रख। अरे ये सब क्या निकल रहा है? अरे वो बताना मत किसी को ब्रो, ठीक है? उसका आर्मर मैंने घपला किया था, ये उसी का है सब कुछ। ये देख प्रूफी भी है 50। अभी बैन हो जाएगा सर, उसे मत। उसको पता थोड़ी चलेगा, वो सब छोड़ना जंकी, मैं तेरे साथ ना एक डील डिस्कस करने आया ब्रो। हाँ बताना। देख तेरे को लग रहा है ना कि हम लोग हार जाएंगे, क्या चल रहा है तेरे बिल्ड का? पता नहीं यार क्या हो गया यार, इतने खतरनाक बिल्ड है यार, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी यार। सुनो जंकी ब्रो, मेरे पास एक डील है तेरे पास, तेरे लिए। कौन सी डील? तू मेरा दोस्त है और मेरे को भी बिल्डिंग नहीं आती है, तो मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों टॉप 2 में आएंगे। लेकिन उसके लिए तेरे को एक प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, बता करना है ये काम। व्हाट, सच में जीत जाएंगे क्या? कैसे? चल कर, जीतने की गारंटी मैं देता हूँ, बस बता मैं जो बताऊंगा वो प्लान फॉलो करेगा ना? ठीक है अच्छा चल, वैसे भी जीतने वाले तो है नहीं, पता बता। तो ये हुई ना बात दोस्त। तो जंकी अभी बिल्ड बैटल खत्म होने में कुछ 18-20 घंटे बचे हुए हैं, तो मैंने प्लान किया है कि उन सभी का बिल्ड हम लोग ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन ऑफ कोर्स अभी नहीं, जब बिल्ड बैटल खत्म होने वाला होगा ना लास्ट के 30 मिनट में, मैं बिल्ड बैटल के जगह से एकदम दूर में एक रेडस्टोन से पूरा ट्रैप बनाऊंगा उनके बिल्ड के अंदर, टीएनटीज और सारी चीजें सेट करके, जिसको तेरे को लास्ट टाइम पे जाके एक्टिवेट करना है। तो मेरा बेस और तेरा बेस छोड़ के सारे बेसेस उड़ जाएंगे, तो प्रोबोस के पास जज करने को और कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो हम लोग तो टॉप 2 में गारंटी आ जाएंगे, वीडियो जीतेंगे अपन लोग। अरे ब्रो बट गड़बड़ हो गई ना तो निकाल विकाल देंगे यार एसएमपी से। अरे मैं हूँ ना, मैंने सब प्लान किया है, पकड़ाएंगे तब ना, मैं एकदम दूर पे उसको कनेक्ट करूंगा इसीलिए ताकि अपन लोग को कोई पकड़े ही ना। वैश्वंग प्लान तो बहुत ही अच्छा है यार, लेकिन किंग कौन बनेगा अंदर में से? अरे तो अपन दोनों का ही बेस है, टॉप 2 में आके सेफ तो हो जाएंगे, फिर प्रभु जिसको चुनेगा वो बन जाएगा किंग। ओके दोस्त थैंक यू शिवांग, करता हूं मैं तैयारी करता हूं। ओके जंकी चल मैं चलता हूं और सारे वो ना सब कुछ को सेटल करने का तैयारी मैं शुरू करता हूं और अपन लोग ही जीतेंगे, टेंशन मत लियो। बाय। अब गाइस अपन लोगों ने जंकी को एकदम अपने साइड कर ही लिया है, लेकिन इसमें एक प्लॉट ट्विस्ट है जो कि जंकी को नहीं पता है। क्यों? ऑफ कोर्स गाइस ओनर मेरे को बनना है, जंकी को थोड़ी जीतने देंगे। तो जब सबका बिल्ड फट जाएगा जंकी और मेरे बिल्ड को छोड़ के, तो मैं जंकी को सैबोटाज करके डिस्क्वालीफाई करा दूंगा एक प्लान से, और ओनर तुम्हारा शिवांग ही बनेगा। ओके गाइस वक्त आ चुका है, अब कुछ ही देर में प्रोबोस जजिंग के लिए आ जाएगा और न्यू ओनर डिसाइड हो जाएगा। जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है उसमें से इतने लोग ऑलरेडी एक्टिव भी आ चुके हैं। और गाइस ये देख रहे हो उसके पास से जो मेरे को प्रूफी मिला था ना उसको यूज करके मैंने ये सारे ब्लॉक्स अनलॉक कर लिए। लेकिन गाइस मेन चीज जो मैंने प्रिपेयर करी है वो ये है, इन्हीं को भी नहीं पता है उनके बिल्ड्स के अंदर हर जगह टीएनटी भी छाया हुआ है और कनेक्ट किया हुआ है, किसी का अंडरग्राउंड किसी के पीछे सब जगह सेटल्ड है मेरे। एक मिनट ये क्या रहा है? हेलो पार्टिसिपेंट्स, बाय द वे आई विल इजीली विन दिस इवेंट नूब्स। लॉल ये तो वही है जिसका हम लोगों ने आर्मर का अप्लाई कर लिया गाइस। ओहो ये क्या हो रहा है? अरे लॉल लड़ाई उड़ाई हो रही है। चलो गाइस ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, हम लोग चलते हैं जंकी को और बताते हैं कि जाओ जंकी जाके सबका बेस उड़ाने का बटन ऑन कर दो। ए जंकी मैं आ गया माइनक्राफ्ट में तेरे पास, चल जा अभी जाके पटपट जाके एक्टिवेट कर दे उसको। ओके शिवांग मैं चलता हूं। भाई ओनर बनना है, जीतना है, बस तू सब संभाल लेना यार। तो गाइस बस कुछ ही मिनट और फिर जंकी वहाँ पे पहुंच के सबका बिल्ड उड़ा देगा और फिर पूरे बेस में सिर्फ मेरा और जंकी का बिल्ड बचेगा गाइस। लेकिन ऑफ कोर्स ओनर तो मेरे को बनना है। लेकिन प्रोबोज इतना डम नहीं है, अगर एक भी गलती करी मैंने और उसने मुझे पकड़ लिया तो देखते गाइस अभी सब कुछ बस अपने प्लान के हिसाब से जाए। ओ जंकी का कॉल आ रहा है, जंकी का कॉल आ रहा है गाइस, रुको मैं उठाता हूं। हेलो जंकी। ब्रो मैं पहुंच गया जगह पे, बोल ब्लास्ट शुरू किया, सिर्फ 4 मिनट बाकी है। यस बस 4 मिनट बचे हैं, तो एक काम कर जंकी, चल कर दे ऑन कर, मैं कॉल रखता हूँ। ठीक है मैं उधर फोकस करता हूँ। ओके ब्रो करता हूँ कॉल, ऑल द बेस्ट। ओके गाइस अभी कुछ देर में सब जगह बूम बैम शुरू होने वाला है गाइस, एनी सेकंड अभी सब जगह पे ब्लास्ट होना शुरू होगा। मेरे को बहुत डर लग रहा है मैं सच बता रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा यार। ओ फट रहा है उधर, कोई मर गया। Ha 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 ha!
चैट में पागल हो रहे लोग, लेट्स गो। मेरे को पता था सब लोग ऐसे ही पागल होने वाले, इसके कुछ समझ नहीं। अरे जंकी भी एक्टिंग कर रहा है वहाँ पे, वो देखो वही फोड़ के आया अभी। ओ मैं भी लिखता हूँ कुछ, मैं भी लिखता हूँ कुछ गाइस, जो सबको शक हो जाएगा। ओके मैंने भेज दिया है। ओ माय गॉड, अब हमारा मेन काम है जो करना है, जंकी जब आएगा तो इंजाम सारा उस पर ठोक देना है, क्योंकि अभी बस मेरा बिल्ड बचा है और जंकी का बिल्ड बचा है वहाँ पे। ओके 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 ओके, सब लोग वीसी आओ जल्दी। ओके प्रोबोइस आ गया गाइस, वीसी बुला रहा है सबको। ओ माय गॉड, मेरे को डर लग रहा है यार। गाइस सब लोग वीसी में कुछ बात कर रहे हैं थोड़ी देर से, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तू भी आज सब आ गए। ओके प्रोबोइस बुला रहा है गाइस हम लोगों को, जंकी भी नहीं है वहाँ पे चार्ट पे। ये वक्त है, हम लोग जल्दी से चलते हैं। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या मजाक है भाई? एक लाख दो हजार बिल टूटे क्यों? वही ना ब्रो, मेरा मौका चला गया। अरे चुप बैठो यार, सब कुछ और दो तीन बंदे वीसी में भी नहीं है। और एक चीज मेरे को अब तक खटक रही है कि सबका बेस फूट चुका है सिवाय जंकी के, और शिवांग का भी ये सॉर्ड बचा है। मैं एक चीज नोटिस कर रहा गाइस, सब लोग अपने अपने बेस पे थे, और या मेरे को बमचा, अरे मतलब ये जो भी है, इसने देखा था मेरे को, मैं अपने बिल्ड के पास था। जंकी नहीं है यहाँ पे पता है, इनफैक्ट वो अभी तक नहीं आया है। वो जब ये हुआ है सब लोग अपने बेस पे थे, वही नहीं था बस। वो नहीं था यार, एक्चुअली मैंने उसको नहीं देखा पिछले घंटे से। कहाँ पर है वो? जंकी को बुलाओ प्लीज, उससे बोलना यार कुछ। हाँ ब्रो क्या हुआ? सीरियसली जंकी, सबका बेस फोड़ना था। अरे क्या यार जंकी, कितना मतलबी है तू, सबका बेस उड़ा दे तुम जीतेंगे ये सब। क्या यार जंकी, यार गाइस क्या बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या यार जंकी, कॉमन सेंस है ये तो, तू ही अपने बेस में नहीं था, बस तेरा और शिवांग का बेस नहीं फटा है। शिवांग तो लास्ट सेकंड में बनाया था उसका सेटअप, नहीं कर पाया टीएनटी, हम सबका फोड़ दिया तूने। मैंने शिवांग ने किया, उसने मेरे को सब बोला था करने को। अबे क्या बोल रहा है तू, मेरे बेसमेंट एक तो टीएनटी नहीं लगा पाया क्योंकि मैंने लास्ट में बनाया। अच्छा वो मैंने लास्ट में बनाया यार, मेरा बेस तो बचा। चलो यार अभी बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुम लोग ने, तो अभी के लिए मैंने सबको म्यूट दिया है। तो चलो अब क्योंकि सिर्फ दो ही बिल्ड बचे जंकी और शिवांग के, तो इन दोनों में से किसी एक को विनर बनाना होगा। बाकी अभी किसी को किक नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी फिलहाल कोई टॉप 5 आ नहीं सकता। अरे नहीं, हमारे साथ वाइन चली हुई है। जंकी ने एक तो हमारा बेस भी उड़ाया, उसको अलाउ क्यों कर रहे हो बिल्ड बैटल पे, उसको बैन करो सीधा। जा बैन करो भाई, चीटर है यार वो। वही तो यार, जंगी ने सबका बेस उड़ाया, पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हो यार? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? गाइस ये मेरा लास्ट दिन है, और एक अच्छा लीडर होने के खातिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो फाइनल डिसीजन ये है कि हम लोग जंकी को किक कर रहे हैं एंड ये इवेंट से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। ये सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए था। अरे लेकिन वेट, इस बिल्ड बैटल का विनर कौन होगा यार? आज तो लास्ट डे और हमारे सारे बिल्ड फूट चुके हैं। हाँ यार क्या होगा अब? तो फिर अभी यहाँ पर किसी का बेस तो बचा नहीं है, सिर्फ शिवांग का बचा है राइट? तो बाय डिफॉल्ट तो यार शिवांग जीत गया। तू शिवांग को विनर बनाना पड़ेगा। चल शिवांग खुश हो जा, तू है इस एसएमपी का नया ओनर। ओ यस गाइस, मजा आ गया। अब इसका मतलब वेट, प्रूपी पे अब मेरा शिवांग वाला ऐसा लोगो आएगा, मेरा मुंह आएगा प्रूपीस। यस यस, तू अभी इस पूरे एसएमपी का सबसे पावरफुल प्लेयर है, तो सब तेरा ही आएगा। मैं तो ब्रो वो करेंसी यूज नहीं करने वाला हूं। करेंसी नहीं कर, सारे रुक रुक रुक। चल शिवांग थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहा हूं, बट अभी ये समय आ चुका है, तो ये रहा तेरा क्राउन, इसको एकदम अपने बच्चे की तरह रखना। तो ले संभाल अपनी अमानत। ओ माय गॉड गाइस, वी आर द न्यू किंग ऑफ यार। ये इसी के साथ हम लोगों ने एट लास्ट ESMP अपने नाम कर ली। एंड यार सॉरी मेरे दोस्त जंकी, माफ कर देना। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए, और यहाँ पे एंड स्क्रीन में मेरी और भी वीडियोस आ रही है, जाके सब लोग जल्दी जल्दी क्लिक करके देखो। और मैं चलता हूँ, चलो बाय।